करवा भरना है, करवे में पानी भरना है और आगे पूजा की तैयारी भी करनी है, तो मैं आपको दिखाती रहूंगी कि मैं क्या 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 कर रही हूँ। ये रहा मेरा करवा, इसको मैंने धो के रख दिया था। चाहती मैं इसको डेकोरेट करना चाहती थी पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको रोली बांध करके, इस पर स्वास्तिक बना करके, पानी गंगा जल डाल करके इसको मैं भर देती हूँ। पहले बांध लो फिर तो खोलो उसको, पहले गांठ लगा। इसको डेकोरेट करने का मेरा मन था, मतलब बाहर मार्केट में कितने सारे अच्छे अच्छे मिल रहे थे, बट मेरा मन था कि मैं इसको डेकोरेट करूंगी, बट कहाँ लावण्य के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। वरना मेरा मन था कि इसमें जैसे हमारे यहाँ पहाड़ियों में पूरा लाल करके एपर्न टाइप का डिज़ाइन ही बनाते हैं वाइट पेंट वाइट उसके साथ, वैसा करने का मन था। इसमें बनेगा स्वास्तिक। अब मुझे इसमें गंगा जल डाल करके और पूरा इसको पानी भर करके शाम की पूजा के लिए रखना है। पानी भर के लाती हूँ, इसमें मैंने पानी भर दिया, मैं इसमें गंगा जल डालती हूँ और एक संकल्प लेती हूँ। करवा हमारा शाम की पूजा के लिए रेडी हो गया है, इसको यहाँ मंदिर के पास रख देती हूँ यहाँ पे, और इसको करवा भरने के बाद एक संकल्प भी लेना चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है अपने हस्बैंड के लिए, उनकी सक्सेस, उनकी लॉन्ग लाइफ, उसकी प्रार्थना के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। तो अब हमारा आधा काम हो चुका है, अब बची है शाम की पूजा। शाम की पूजा के लिए क्या क्या लाना है, हमें धूप मिल जाएगी नीचे, धूप लेकर के आनी है और कथा आप पढ़ोगे, कथा आप पढ़ोगे, फिर मैं आपको दक्षिणा दूंगी कथा पढ़ने की, और फिर उसके बाद हम करेंगे रात के खाने की तैयारी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज चांद कितने बजे निकलेगा, कल कितने बजे निकला था? 9 बजे बादल थे पर निकल गया आज भी, बादल आज भी आसमान साफ नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा क्लाउड है। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठी थी तब कोहरा हो रहा था बैंगलोर में, तो देखते हैं हाँ शाम को करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलता है। लावा और लावा को भी टीका कर देते हैं, मम्मा ने भी टीका नहीं किया है। जय माता दी, मम्मा भी करेगी जय माता दी, आओ पापा को भी टीका करते, पापा ने भी टीका नहीं किया। चलो पापा के पैर छू। अभी हम लोग नीचे आए हैं धूप घास तोड़ने के लिए, जो शाम की पूजा के लिए मुझे चाहिए होगा, जो 4 बजे मैं पूजा करूंगी। उसमें हम लोग जैसे जैसे कथा पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे धूप आगे चढ़ाते रहते हैं हर पैराग्राफ के बाद, तो वही लेने अभी हम लोग फिलहाल नीचे आए हैं। ये वाली ना ऊपर ऊपर वाली थोड़ा लंबा लंबा तोड़ो, ये रही धूप घास शाम की पूजा के लिए हम लोगों ने कलेक्ट कर ली। और अभी आप देखो लाभू को कितना पसंद है यहाँ पर स्टोन्स के साथ खेलना, वो पूरे गार्डन में उतना वॉक नहीं करेगी, लेकिन वो स्पेशली जब उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे इतने सारे पत्थर हैं और यहाँ उसको खेलना है, तो यहाँ खेलने आ जाती है। अभी वो यहाँ से उठा के वापस सही जगह पे रख रही है, एक जगह से दूसरी जगह। लावा अब लाओ, गिव इट टू मामा, कम गिव इट टू मामा, गिव गिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लो लो टट्टू। लावा का थैंक यू बोलने का तरीका टट्टू, थैंक यू आ आ।
कितने दिनों के बाद ऐसी धूप हो रही है ना, वरना इतना ठंडा हो जा रहा है बैंगलोर में पिछले 3-4 दिन से। और ये हर बार है, जब भी करवा चौथ आने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले बैंगलोर में खूब ठंडा होता है, बारिश होती है और रात में सबसे लेट चांद। आई थिंक मैंने दो साल से मैं सेलिब्रेट करी हूँ, पिछले लास्ट ईयर तो मैं रखने हुई थी, बट दोनों साल करवा चौथ पे चांद सबसे लेट मतलब 8:30 बजे के बाद 9 बजे तक ही आया है। और जबकि जब मैं दिल्ली में रहती थी तब वहाँ पे नोएडा में मम्मी लोगों के वहाँ चांद 8:15 बजे तक आ जाता था, बट यहाँ पे तो सबसे लेट आता है। और अभी तो फिलहाल धूप है और आसमान भी साफ है, देखो शाम को चांद कितने बजे तक आता है, आई होप जल्दी आ जाए। एक तो बच्चों के साथ रहते रहते बच्चे के पीछे भागते भागते ना इतनी प्यास लगने लग जाती है, भूख नहीं लग रही है बट मुझे प्यास लग रही है। A few minutes later. कैसी लग रही है? बढ़िया, एक नंबर। बहुत दिनों के बाद मैं रेडी हुई हूँ, लास्ट में रेडी हुई थी शायद लावण्या के अन्नप्राशन पे, पर तब भी इतना नहीं, बट तभी तो, हाँ, ये सब तभी तो हल्का फुल्का था, बट अभी क्योंकि करवा चौथ है तो पूरे एक साल के बाद अब हम इसमें 5 स्वास्तिक बनाएंगे। 5 स्वास्तिक? 5 स्वास्तिक। पूजा का मुहूर्त 5:36 से लेके 6:54 तक है, तो अभी कितना बज रहा है, क्या हम लेट हैं? 6:20। अरे 6:20 ऐसे 5 स्वास्तिक बना करके फिर आप कथा पढ़ देना, उसके बाद यहाँ कितने बजे का बोला है का उसको चांद का? 8:54। 8:54 यानी पूरे 9 बजे। हाँ मैं तो इस बार क्या हुआ ना, अभी हम लोग आदत नहीं रही तो थोड़ा भूख तो नहीं लगी है लेकिन हेडेक हो गया है। तो ये हमारे 5 स्वास्तिक हो गए, अब हम इसको भरेंगे और उसके बाद मुझे इसको भरना है, उसके बाद हम ये करवा में चावल रखेंगे और इस चावल के ऊपर धूप मतलब ये चावल से भरेंगे, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा शगुन निकाल करके रखूँगी जो कि मैं जब भी ससुराल जाऊँगी वो मैं मनोज की मम्मी को यानी मेरी सासू माँ को दूँगी। तो मैं इसमें चावल रख देती हूँ, ये चावल और मतलब जो भी शगुन मैं निकालूंगी ना उसको मुझे बांध करके एक जगह रखना पड़ेगा और फिर वो मैं क्या कहते हैं चावल के साथ आपकी मम्मी को दे दूँगी जब भी मैं ससुराल जाऊँगी। तो अब मैं इसमें लोटे में पानी भर करके आती हूँ और शगुन निकल के आती हूँ। ये लोटे में पानी भर लिया मैंने, ये शगुन निकाल दिया है, अब आप पढ़ोगे कथा और इनको भी मुझे वो करना है टीका लगाता है। ये माता करवा माता है, इनको टीका लगाया, इनका सत्कार किए बिना तो ये व्रत पूरा नहीं होगा, इनका सम्मान किए बिना। माँ भाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर, इतने अच्छे से कथा पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आरती करके आगे रात के खाने की तैयारी करते हैं। चांद ही नहीं आया है, इसको करना है या तो हम इसको मतलब ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी मैंने लोगों से पूछा कि इसको कैसे करते हैं, तो इसको आप 5 या 7 के जोड़े में एक करके जब आप अपने हस्बैंड की मतलब आरती उतारते हैं और टीका वगैरह करते हैं उसके बाद इनको उसके ऊपर से ऐसे पार करवाना होता है। भूख नहीं लग रही, सर दर्द हो रहा, सर दर्द। ये मेरी छन्नी, इसमें मैंने टीका रेडी कर दिया है, फूल रख दिए हैं आपके लिए और दिया भी रेडी हो गया है, मीठा भी रेडी हो गया है। ये चांद को अर्घ देते समय पानी मैं उनको चढ़ाऊंगी और ये पानी का ग्लास जो आप मुझे पिलाओगे। माय गॉड, अब तो रुका ही नहीं जा रहा है, 9:15 होने वाला है। Thank you.
सो गाइज ये रहा आज का डिनर, पूरी आलू मटर की सब्जी, पहाड़ी रायता और खीर। खीर बहुत अमेजिंग बनी है, पहाड़ी रायता मनोज की स्पेशलिटी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। और आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई है बिना अनियन गार्लिक के। मज़ेदार, सॉरी, बहुत ही अमेजिंग खाना बनाया, बहुत अच्छा दिन रहा। चांद थोड़ा सा लेट आया बट कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, दिन बहुत अच्छा गया। लावण्या ने और मनोज ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। सो अगर आपने हमारा ब्लॉग यहाँ तक देखा है और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और जो भी अगर आप हमें कमेंट करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।